को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हाय एवरीवन, लक्ष्मी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अप्पम बनाने की रेसिपी। बिना तेल से बनाइए और आप देख सकते हैं ये बहुत ही जालीदार बना है। आपको हम एक तोड़ कर दिखाते हैं कितना जालीदार और मुलायम है ये। तो इसे बनाना तो एक बार जरूर बनता है। हम अप्पम बनाना शुरू करते हैं। अप्पम बनाने के लिए 1 कप हम सूजी लिए हैं। अब हम उसी कप से 1 कप दही लेंगे। दही ज़्यादा खट्टी नहीं है। अगर आपके पास खट्टी दही है तो उसका 1/3 कप दही लें। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे और 1/2 कप पानी डालकर इसको पीस लेंगे। हम बारीक पेस्ट बना लिए हैं सूजी का और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, न ज्यादा पतला न ज्यादा गाढ़ा। इनो डालेंगे। अगर आप डब्बा वाला यूज कर रहे हैं तो 1 चम्मच इनो पाउडर डालिए और हम इसमें इनो मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच पानी डाल देंगे इसके ऊपर। आप देख सकते हैं ये बबल्स आने लगे हैं। फटाफट इसको मिक्स कर दीजिए बिना देर किए हुए। फ्रेंड्स, गैस पे हमें तवा चढ़ा दिए हैं और इसमें हम अप्पम बिना तेल का बनाएंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। गैस का फ्लेम लो रखें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के जाली आने शुरू हो गए हैं। परफेक्ट, हमारा जालीदार ये अप्पम बनकर तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से एक साइड से सिक चुका है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। तब हम इसको पलट देंगे। लग रहा है ना, एकदम परफेक्ट। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं एक तरफ से एकदम गोल्डन कलर का हमारा ये अप्पम बना है और दूसरे साइड से भी एकदम जालीदार फ्लफी। तो हम दूसरा भी बनाते हैं। एकदम हम इसे फैलाएंगे नहीं, बस ये जितना अपने से फैल सके। बहुत ही आसान लाजवाब रेसिपी है ये, बिना तेल से बना, साइड से अच्छे से सिक चुका है। अब इसे भी हम पलट देंगे। हम फटाफट इसके साथ खाने वाली चटपटी सी चटनी तैयार कर लेंगे। हम ये भुना हुआ चना दाल लिए हैं 1/2 कप। 1/2 कप भुना हुआ मूंगफली के दाने हैं। 2 हरी मिर्च, 5 लहसुन की कलियां, नमक स्वाद अनुसार। मिक्सर में डालकर सभी को हम पीस लेंगे पानी डालकर। तो लीजिए, हमारे सारे अप्पम बनकर तैयार हो चुके हैं और चटनी भी पीस चुके हैं। फटाफट हम चटनी का तड़का तैयार कर लें। 1 चम्मच ऑयल डाले हैं, 1/2 चम्मच राई, राई के जगह आप सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 4 से 5 करी पत्ता। इस तरीके से चटनी का तड़का तैयार कर लेंगे। तो अब हम चटनी में तड़का डाल देंगे। तो लीजिए, बिना तेल से बना हमारा नाश्ता बनकर तैयार है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है ये। फ्रेंड्स, आपको हम एक दिखाते हैं ये कितना मुलायम बना है। सबको बहुत पसंद आएगा, एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें। और आपको हमारी ये आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी के